आगे बढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय नंबर 10 और प्रश्नावली 10.1। तो प्रश्नावली 10.1 में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आगे समझिएगा, यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कहने का मतलब जो यातायात बोर्ड पर यातायात पर जो संकेत बोर्ड लगा है उस पर वो एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे आपको क्या दिया है साथ में कि जो संकेत बोर्ड है उसका परिमाप 180 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जो बोर्ड है वो समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए, ठीक है। ये हमको लिख लेना है क्योंकि हमने बना दिया है। और इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर दे दिया है, ये भी हमने लिख लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, तो हमारा जो काम है वो परिमाप है, परिमाप हमको 180 सेंटीमीटर दिया है, मतलब परिमाप से हम भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं ना अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे हमको ए नहीं रखना पड़ेगा। जब हम एस माइनस ए लगाएंगे ना इसका क्षेत्रफल का सूत्र, तो वहाँ पे तो हमको मान रखने पड़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज की भुजाएँ, क्या लिख देते हैं, त्रिभुज की भुजाएँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, तीनों भुजाएं हम लेते हैं क्योंकि हमारा सूत्र एस माइनस ए एस माइनस बी इस टाइप से लगेगा रूट में, ठीक है। तो देखो भुजाएं तो पहली भी ए है, दूसरी भी ए है और तीसरी भी क्या है, ए है, ठीक है। अब तीनों ए है तो हम लगा देते हैं यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ठीक है। ये परिमाप का सूत्र है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे a का मान भी a है, b का मान भी a है और c का मान भी कितना है, a है, बराबर 180। एक दो तीन, तीनों a को जोड़ेंगे तो तीन है बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो a के गुणे में तीन है तो गुणे वाला बटे में जाएगा सामने, ठीक है। ये इस टाइप से तीन एकम तीन, तीन छंग 18 और 0, तो ए का मान कितना निकल गया है आपके पास, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। अब ए का 60 है तो बी भी ए है, मतलब बी का मान भी क्या है, 60, और सी भी आपका क्या है, ए है, तो सी का मान भी आप लिख दीजिए 60, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, 60 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। क्योंकि ए बी सी तीनों के तीनों ए है और एक ए का मान निकल लिया, मतलब तीनों भुजाएं 60-60 की है, क्लियर। अब ये तो हो गया ए बी सी का मान, लेकिन हमको एस माइनस ए लगाने के लिए एस निकालना पड़ेगा, तो वो होता है आपके त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी पट्टे में होता है दो। तो एस, ए का मान भी 60 है, बी का मान भी 60 है, सी का मान भी 60 है और बट्टे में क्या आ जाएगा, दो। तो ये एस बराबर 60-60-60 तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 180 बट्टे में दो, दो एकम दो, दो निम 18 और 0, तो एस का मान कितना निकल गया है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एस का मान आ गया है। अब एस का मान आ गया है तो हम एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो इसके लिए हमें पेज पलटना पड़ेगा, पलट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी निकाल लेते हैं। एस का मान तो आपके कितना है, 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, और एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी सभी क्या है, 60 ही है, ठीक है, क्योंकि ए बी सी तीनों के मान 60-60 है, ठीक है। तो माइनस कर लेंगे यहाँ पे, 90 में से 60 गए तो 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके। तो अब सूत्र लगा देते हैं, त्रिभुज या त्रिभुजाकार, सीधा सीधा लिख दीजिए, त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल, ठीक है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा। तो सूत्र लगाएंगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, लगा दिया सूत्र, मान रख देंगे यहाँ पे। तो एस का मान कितना आया था, 90, एस माइनस ए 30, एस माइनस बी भी 30 और एस माइनस सी भी 30। तो यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं, देखो ये 30 और ये 30 का एक जोड़ा बन जाएगा, ये अकेला 30 है, तो क्या इसको हम 30 बना सकते हैं क्या। तो देखो 30 का 3 में गुणा करेंगे तो 90, तो इस 90 की जगह मैंने लिख दिया 3 गुणित 30, 30 दिया 90 हो जाएगा, है ना, शॉर्ट में। और ये 30 और फिर 30 और फिर 30। अब ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये एक जोड़ा बन जाएगा, ये एक जोड़ा बन जाएगा जो कि घात दो होके बाहर निकल जाएगा, तो 30 की घात दो, है ना, फिर 30 की घात दो,
और फिर क्या बचेगा, अकेला आपके 3। ठीक है, अब जिनकी घाते लगी हुई ना वो संख्या बाहर आ जाएगी, क्योंकि रूट में घात अगर होती है तो संख्या बाहर आ जाती है। अंदर कितना बचेगा, 3 बचेगा। गुणा कर लेते हैं, 3 3 9 और 1 और 1 2 0। अंडर रूट 3 सेंटीमीटर की घात कितने लगाएंगे, 2 लगाएंगे, और यही हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप जो है यहाँ से नोट करिए ये वाला क्वेश्चन, ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ठीक है, फिर इसके पीछे वाला ये, और फिर ये, और फिर ये। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगला आता है आपके सेकंड प्रश्न, किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को, सुनिएगा, त्रिभुजाकार दीवारें विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। ठीक है, तीनों भुजाएं ए बी सी हमको दे दिए। ठीक, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष हर साल 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। ठीक है, तो उसे कुल कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, प्रति वर्ष एक साल का किराया कितना है, 5000, तो अब 3 महीने का कितना हो जाएगा, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, उसमें से हम 3 महीने की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम 5000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, साथ में हमारे क्षेत्रफल का भी गुणा होगा, क्योंकि इस क्षेत्रफल की बात तो इंपॉर्टेंट है, तो क्षेत्रफल इंटू 3/12 × 5000। ठीक है, फिर से सुनना ये वाले स्टेप, देखो 12 महीने, 12 मतलब एक साल, 12 महीने जो है एक साल में होते हैं, उसमें से 3 महीने की बात कर रहे हैं, इसलिए 3 ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसमें देखते हैं पहले क्षेत्रफल क्या निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे, त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएँ ए बी और सी हमने ले ली यहाँ पे। ठीक है, अब ए बी सी है, तो देखो हीरोन का सूत्र हमें लगाना है, क्षेत्रफल वाला एस वाला, तो एस हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2, क्या हो जाएगा, बटे में 2। तो ए का मान कितना है, 122, बी का मान है 22 और सी का मान है 120। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। अब इन सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 264/2। ठीक है, अब 264/2 है, तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 2 4, तो कुल मिला के एस का मान क्या निकल के आया, 132 और मीटर है ना, क्योंकि ऊपर मीटर दी गई हमको भुजाएं, तो ये आपके एस का मान। अब एस का मान आ चुका है, तो एस माइनस ए निकाल लेंगे। ठीक है, फिर एस माइनस बी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर एस माइनस सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, एस क्या है हमारा, 132, ए से 132, ए से 132 माइनस माइनस ए, तो ए हमने लिया था 122। ठीक है, और ये लिया था 22 और ये लिया था 120। ठीक है, ये रहा जैसे ए बी सी के मान हमने रखे थे ना यहाँ पे, तो ये आपको ले लेना है यहाँ से। अब हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो देखो 132 माइनस 22 करेंगे तो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कितना बचेगा, 10 मीटर। ठीक है, कितना बचेगा, 10 मीटर। 132 माइनस 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 मीटर, और 132 में से 120 गए तो 12 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में, बस हो गया हमारा काम, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का मतलब वही त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ जाना आप, तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना है आपका, तो एस तो 132 है, इंटू ये कितना है आपका, 10, ये 110 और ये 12, कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इनके टुकड़े कर देने हैं, क्या करना है, इनके टुकड़े कर देना है। देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 110 को हम 11 × 10 कर सकते हैं, और ये 12 है, तो इस 132 को तोड़ दीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं अभी आपको बता देता हूँ, 132 को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ना है आपको समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो 132 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, इस टाइप से 2 6 12 और 2 6 12, 2 3 6 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, और फिर 11 1 11, तो इस 11 को रहने दीजिए सिंगल। ये देखो 2 2 4 4 3 12, तो 12 × 11, तो यहाँ लिख सकते हैं ना 12 × 11, ये 10। ठीक है, इस 110 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 10, ठीक है, गुणित में 12,
ठीक है, ये मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी आप इनको डिटेल में तोड़ के ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 12 दो बार आया है, घात दो लगा दीजिए, 11 दो बार आया है, घात दो लगा दीजिए, 10 दो बार आया है, घात दो लगा दीजिए, ठीक है, हो गया काम आपका। सब की सब संख्याएँ बाहर आ जाएगी, तो 12 × 11 × 10 गुणा कर देंगे, तो 12 का गुणा 11 से करेंगे, 11 का पहले 10 का गुणा इससे कर दीजिए, या इसका इससे कर दीजिए, 120 का इससे कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा टोटल निकल के आपके यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1320 और मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आपको लगा देना है। तो ये तो हुआ त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, लेकिन हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये मिलते हैं, तो इस कंपनी ने 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो उसे कुल कितना किराया दिया, क्या लिखा हुआ है, कुल कितना किराया दिया। तो सिंपल सा हम लिख देंगे कुल किराया, डायरेक्ट है ना, क्या लिख देंगे, कुल किराया। तो बराबर देखो क्षेत्रफल गुणित 3 महीने, टोटल 12 महीने में से, इंटू कितना है 5000 रुपये है ना, तो ये आपको कर देना है। आई थिंक आप कर पाओगे इसे, तो काट देंगे इसे, ठीक है, 2 × 12, तो ये फिर देखो 2 × 12 एक बचेगा, 2 × 12 और ये 0, सीधा 6 से कट जाएगा, 6 × 6 6 × 6 6 × 6 0, ठीक है, तो क्या होगा 110 गुणित 3 × 5000, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ जो लिखा ना, मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा चुकी करके, एक वर्ष का किराया बराबर कितना हो जाएगा 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा कि भाई एक वर्ष का 5000 रुपये है, तो कुल क्षेत्रफल में एक वर्ष में से 3 महीने की बात कर रहे हैं, इसलिए 3/12 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो इन सब का गुणा कर लेते हैं, और जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके 1650000, कितना आ जाएगा 1650000 रुपये, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है, ये उसके बाद ये और फिर ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन आता है तीसरा आपके, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, ठीक है, इसकी पार्श्वीय दीवारों, पार्श्वीय मतलब साइड की जो दीवार है, में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, ठीक, और उस पर लिखा गया है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ठीक है। यदि इस दीवार की विमाएँ मतलब कि भुजाएँ आपको दे दी है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, तो इस रंग से रंगे हुए पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए। देखो डायग्राम आपको दिया है, और डायग्राम बिल्कुल कौन सा है, एक त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो इसने बोला ना रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले रंग से पेंट भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के आकार का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इससे लिखने से क्या होगा कि इससे हमें बस सीधा सीधा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना होगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें फिर क्या है आपको त्रिभुजाकार दीवार वगैरह ऐसा सब नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिख दीजिए यहाँ पे, चूँकि रंग से पेंट भाग का क्षेत्रफल। एक और बात, अब यहाँ पे हमको रंग से पेंट भाग का क्षेत्रफल ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि रंग का नाम हमको बताया नहीं है, ठीक है। अब रंग का नाम नहीं बताया है तो हमको लिखना नहीं है मन से कुछ भी, सीधा बस आप तो लिख दीजिए रंग से पेंट भाग का क्षेत्रफल, इतना लिख दीजिए जो हमसे पूछा है वो लिख दीजिए आप तो, ठीक है। इसके बाद अब हम सीधी सीधी त्रिभुज की भुजाएँ निकाल लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने को निकालना है, तो त्रिभुज की भुजाएँ क्या लिख देंगे, त्रिभुज की भुजाएँ ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, ठीक है, बराबर का चिन्ह। तो 3 भुजाएं इसमें दे दिए, एक है 15 मीटर, एक है 11 मीटर और एक है 6 मीटर, ठीक है, तीनों हमको दे दिए। अब त्रिभुज की भुजाएं हैं तो हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको क्षेत्रफल के सूत्र में एस रखना पड़ेगा, क्या लिख देंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो एस बराबर जो ए का मान कितना हो जाएगा आपके 15, बी का मान 11 और सी का मान 6 और बटे में 2, जोड़ देते हैं इनको,
15 और 11 26 और 6 कितना 32 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो एस का मान कितना निकल गया 16 मीटर, कितना आ गया 16 मीटर। तो ये तो एस का मान आया। अब हम एस माइनस ए निकाल लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमको एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, रखना पड़ेगा मतलब। तो एस का मान 16, फिर 16 और फिर 16। ए बी सी का मान रखना है, तो ए का मान 15 लिया था हमने, बी का मान 11 लिया था और सी का मान 6 लिया था, ठीक है, हो गया हमारा ये काम। 16 माइनस 15 कितना होगा 1 मीटर, 16 माइनस 11 हो जाएगा 5 मीटर, 16 माइनस 6 हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली कंडीशन, अब हम लगा देते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान कितना हो जाएगा 16, एस माइनस ए कितना हो जाएगा 1, एस माइनस बी कितना हो जाएगा 5 और एस माइनस सी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 4, क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 4, और ये आपके 1 ऐसा कैसा और ये 5 ऐसा कैसा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है, क्या हुई है, 16 में से 6 गए तो 10 बचे, कितने बचे 10 बचे, जल्दबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 को लिख सकते हैं ना 2 गुणित 5, ताकि ये 5 का जोड़ा बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 का जोड़ा मतलब 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर बचा आपके 2, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिन जिन की घात है वो संख्या तो आ जाएगी बाहर, अंदर क्या बचेगा जो बिना घात का है मतलब 2, तो 4 5 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके आंसर, ठीक है। अब इसमें आपको बार बार वो नहीं लिखना है पेंट से किए गए भाग का क्षेत्रफल वगैरह, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने सबसे ऊपर बता दिया रंग से पेंट भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पर रंग का नाम नहीं बताया, आप चाहें तो कुछ बता दीजिए मन से, वैसे मैंने मना किया था लेकिन लिख दीजिए, ठीक है, जैसे नीला रंग, हरा रंग, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, ये फिर ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है गाइस। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्रश्नावली 10.1 का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। उसके बाद बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 11 की, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।